दोस्तों, ये तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी कई अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। आर्कियोलॉजिस्ट के दिन रात रिसर्च में लगे रहने के बावजूद भी वो आज तक हमारी धरती के सिर्फ 20-30% रहस्य को ही सॉल्व कर पाए हैं। पुराने समय से लेकर आज तक हमें पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ऐसा मिलता आ रहा है जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट के भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आज हम आपको इस धरती पर मिली कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपकी नींद तक उड़ जाएगी। आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में एक आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन के दौरान जब खुदाई करी गई तो उन रिसर्चर्स के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। कंकाल मिलने वाली बात वैसे इतनी हैरत अंगेज नहीं थी, लेकिन उनमें से कई कंकालों का साइज इंसानी शरीर से करीब 4 गुना ज़्यादा था। अब कई रिसर्चर्स के पसीने तो तब छूटे जब उन्होंने उन कंकालों के सर पर हॉर्न्स यानी कि सींग भी पाए। उन्होंने इसके पीछे का रीज़न जानने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, साल 1952 में एक दानिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी करी। असल में उन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पुरानी बॉडी का तो अब तक कंकाल बन जाना चाहिए था, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि दलदल की वजह से चेहरे को छोड़कर बाकी सारी बॉडी प्रिजर्व्ड है, जहां इस इंसान के आप नाखून से लेकर सर के बालों तक सब कुछ देख सकते हैं। और बॉडी के इसी प्रिजर्व स्टेट की वजह से बॉडी की मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है, और यहां तक कि ये भी बताया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया होगा। इसकी बॉडी पर रिसर्च करने पर पता चला कि इसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ घाव तो बहुत ही गहरे हैं। अर्जेंटीना में इस किसान को खेती करते समय उसकी नज़र एक अजीबोगरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी जो कि देखने में किसी डायनासोर के अंडे जैसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब इस अनोखी चीज़ को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। ये गोल चीज़ 3 फीट जमीन के अंदर धंसी हुई थी जिसे काफ़ी मेहनत करके निकाला गया। जब ये बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची, तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा था जिसे शेल कहा जाता है, और वो जानवर इसे अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया। इन जानवरों को ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था और उस शैल का वजन ही करीब 1100 किलो था, यानी कि जिस जानवर का शैल ही इतना वजनी हो तो उस पूरे जानवर का वजन कितना हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों, मोआ न्यूजीलैंड में रहने वाली एक ऐसी बर्ड है जो कि 15वीं शताब्दी में ही विलुप्त हो गई थी, और ये बर्ड करीब 4 मीटर लंबी हुआ करती थी और यहाँ तक कि इसका वजन करीब 250 किलो तक हुआ करता था। अब हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे तब उन्हें इस विशालकाय बर्ड का एक पंजा मिला जो कि ऐसा लगता था कि वो बस अभी ही मरा है, और रिसर्च पर पता चला कि वो पंजा इसी बर्ड का है। चिले के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक ऐसा पॉइंट आया जब हाईवे का काम रोकना पड़ा। ये काम वैसे चिले के आटाकामा नाम के डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल के। अब वर्कर्स को ये नहीं समझ आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समुंदर भी काफ़ी दूर था, वहाँ एक साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स कैसे आ गई। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जब वहां पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और उन्हें ये पता चला कि ये वेल्स के ढांचे 30 लाख से लेकर 70 लाख साल पुराने हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ठीक इतने साल पहले ये जगह समुंदर का किनारा हुआ करती थी। और आपको ये तो पता है कि जब वेल मछली बीमार होती है तो वो किनारों पर ही आ जाती हैं, लेकिन अब एक साथ 75 वेल कैसे किनारे पर आ गई, ये बात आज भी एक रहस्य है। वैसे दोस्तों, क्या आपको रास्ते में कभी गिरे हुए पैसे मिले हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।